दोस्तों, जेके आईटीआई मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, इसका सिंबल और प्रतिरोध के मात्रक के बारे में। टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में, या फिर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ऑल टेक्निकल एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह स्वयं में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहलाते हैं। तो पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण यानी कि पदार्थ का वह गुण जिसमें से जिस कारण पदार्थ में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का वे विरोध करते हैं या उन्हें रोकते हैं, उन्हें प्रतिरोध कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये पदार्थ है, ये एक कोई कंडक्टर है यानि कि चालक है, और इसमें से विद्युत धारा यानि कि इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं। इनका विरोध करना ये पदार्थ का गुण है, इनका विरोध करेंगे यानि कि इन्हें रोकेंगे, ये रोकने का गुण होता है, इसे प्रतिरोध कहते हैं। कंडक्टर में से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला ये कंडक्टर का ही गुण होता है, यानी कि पदार्थ का ही गुण होता है कि विद्युत धारा का के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं या फिर उनका विरोध करते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन्स फॉलो होते हैं कंडक्टर में, और कंडक्टर का गुण होता है कि उनका विरोध करते हैं या फिर उनके प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस होता है कि पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के लिए बाधा डालते हैं या फिर उनका विरोध करते हैं, रेजिस्टेंस कहलाते हैं। दो अलग अलग पदार्थों का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, जैसे कॉपर या फिर एल्यूमिनियम ले लेते हैं, तो कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों का प्रतिरोध अलग अलग है। जैसे चांदी यानि कि सिल्वर या फिर कॉपर ले लीजिए, इन दोनों का भी प्रतिरोध अलग अलग होता है, किसी का प्रतिरोध ज़्यादा होता है और किसी का प्रतिरोध कम होता है। तो दो अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस यानि कि प्रतिरोध का प्रतीक, रेजिस्टेंस होता है उसे हम किस प्रकार दर्शाते हैं या फिर इसका प्रतीक क्या होता है। तो आर दर्शाते हैं, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। जहाँ भी हमें प्रतिरोध लिखना होता है हम वहाँ आर लिखते हैं। तो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का प्रतीक आर होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है, तो आर, रेजिस्टेंस आर होता है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो हम जब भी प्रतिरोध की बात करते हैं, आपने ओम्स के नियम पढ़ा होगा, उसमें V बराबर आई आर था। तो हमें कह सकता है कि किसी का वोल्टेज इतना है, उसमें इतना करंट फॉलो हो रहा है, तो उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम इस फॉर्मूले से उसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तब हम किस यूनिट का यूज करेंगे कि वो कितना रेजिस्टेंस है, जब हम बताते हैं कि दूरी मीटर में या किलोमीटर में बताते हैं, करंट बताते हैं एम्पियर में, वोल्टेज बताते हैं वोल्ट में, उसी प्रकार हम प्रतिरोध किस में बताएंगे। तो प्रतिरोध का यूनिट या फिर मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इसका मात्रक होता है ओम, और इसे इस प्रकार डिनोट किया जाता है या इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, ये ओम का सिंबल होता है। इसे मापने के लिए यानी कि रेजिस्टेंस को मापने के लिए ओम मीटर का यूज किया जाता है। ओम मीटर
प्रयोग में लिया जाता है जिससे प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। वह पदार्थ जो प्रतिरोध का गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें प्रतिरोधक कहते हैं, यानी कि रेजिस्टर कहते हैं। तो यहाँ एक डेफिनेशन दे रखी है कि रेजिस्टर किसे कहते हैं, यानी कि वे सभी पदार्थ जो रेजिस्टेंस का गुण या फिर प्रतिरोध का गुण दर्शाते हैं प्रतिरोधक कहलाते हैं या फिर रजिस्टर कहलाते हैं। मान लीजिए कॉपर का तार है और वह कॉपर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, तो ये कॉपर होगा प्रतिरोधक या फिर रजिस्टर, और इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का जो गुण होगा इसका वह होगी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस और रजिस्टर दोनों अलग होते हैं। खुद पदार्थ होता है रेजिस्टर और उसका गुण होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का गुण दर्शाने वाले सारे पदार्थ रेजिस्टर कहलाते हैं। अब प्रतिरोधक के प्रतीक क्या होते हैं? तो इस प्रकार से ये जो सिंबल होता है ये होता है रेजिस्टर का और ये भी होता है, ये दो होते हैं प्रतिरोधक के प्रतीक। ये होते हैं नियत प्रतिरोधक, यानी कि इनको बदला नहीं जा सकता। ये उनके लिए यूज किया जाते हैं जिनका प्रतिरोध हम बदल नहीं सकते, यानी कि उनका निश्चित होता है। जैसे सिल्वर का यदि ये प्रतिरोध दोनों दिखाए इसका मतलब होता है इनका प्रतिरोध फिक्स है, यानी कि इनका रेजिस्टेंस फिक्स है। और जब ये दो दिखा दें तो इनका मतलब होता है वेरिएबल प्रतिरोध, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, इन्हें बदल सकते हैं। यानी कि इनको ये फैन रेगुलेटर की तरह होते हैं, इनका प्रतिरोध कम या तेज किया जा सकता है, कम या अधिक किया जा सकता है। तो इनके लिए ये एरो का सिंबल लगाते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस और वो होते हैं नियत प्रतिरोधक, तो ये दोनों सिंबल होते हैं रेजिस्टर के। प्रतिरोधक के नियम यानी कि लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, उसके क्या नियम है? तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, या फिर किसी चालक यानी कि कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वह निम्न बातों पर निर्भर करता है। इसके तीन कारण हो सकते हैं कि पदार्थ का प्रतिरोध कितना है। तो पहला है चालक की लंबाई। तो आपके कंडक्टर की जितनी लंबाई होगी उसके अनुसार रेजिस्टेंस होता है। यदि आपका कंडक्टर कम लंबाई का है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और अधिक लंबाई का है तो उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। सेकंड है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, यानी कि आपके कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी रेजिस्टेंस निर्भर करता है या फिर डिपेंड करता है। और थर्ड है चालक के पदार्थ पर, यानी कि किस प्रकृति का है, यानी कि नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट की बात कर लेते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पे। तो मान लीजिए आपका ये कंडक्टर है, कंडक्टर है उसकी लंबाई मान लीजिए एल है, और तो उसका जो होता है प्रतिरोध जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, तो आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। तो आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है एल के। तो जैसे जैसे आप एल बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी आर यानि कि रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो जब जब हम उसकी लंबाई बढ़ाते जाएंगे, चालक की कंडक्टर की लंबाई को हम जितना बढ़ाएंगे उतना आपका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो इसे इसका ग्राफ भी पूछा जाता है।
आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के यानि कि चालक की लंबाई के। और इसका ग्राफ आता है यानि कि आर है ये रेजिस्टेंस है इन ओम में और ये लेंथ ऑफ वायर है इन मीटर्स में। तो जैसे जैसे लेंथ ऑफ वायर्स आप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो एक इनका ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये आपका है आर है रेजिस्टेंस है ओम में होता है और ये आपकी लेंथ ऑफ वायर है मीटर्स में। जैसे जैसे आप इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। तो ये एक था मान लीजिए, ये दो तीन, तो ऐसे ऐसे ये दोनों बढ़ते जाएंगे, ये पाँच मान लीजिए। तो जैसे जैसे आप लेंथ ऑफ वायर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो किसी चालक का प्रतिरोध यानी कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करता है और उसके व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको इस प्रकार दर्शाते हैं कि R यानी कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/A यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो ये होता है रेजिस्टेंस इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/A के यानी कि एरिया होता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट थर्ड नियम है कि नेचर ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर भी उसका प्रतिरोध निर्भर करता है। इसका वीडियो आपको इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो जहाँ मिलती रहती है।